दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नज़र आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर
रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है।
एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नजर आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं।
फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आठ एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रिक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नजर आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं।
स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की दो तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आठ एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है,
जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नजर आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा। लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की दो तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आठ एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रिक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से जबरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की दो तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आर्ट एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा,
डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से जबरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन 1-पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्दे डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में
देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे, और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे, और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई, और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया, और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है, और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नज़र आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से
देखने को मिल जाएगी और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से जबरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बबार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्दे डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रिक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है।
इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो
करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रिक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है,
जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नजर आई तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आर्ट एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रिक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नजर आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा। लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग
शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की दो तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आठ एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर
पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की दो तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आठ एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्दे डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रिक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी
श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से जबरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की दो तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आठ एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान।
इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से जबरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्दे डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नज़र आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। दोस्तों यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी।
दोस्तों आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेजोन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बबार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्दे डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर
चेन्नई एक्सप्रेस में नजर आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन 1-पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट
करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्दे डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रिक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नजर आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से जबरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है।
यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की दो तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आर्ट एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रिक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाडिया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं।
इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और जबरदस्त एक्शन से भरा होगा। लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की दो तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आठ एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग।
निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से जबरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की दो तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आर्ट एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में।
जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्दे डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रिक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से जबरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा।
दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज़ होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्दे डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस में नज़र आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर
रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से ज़बरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन 1-पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने 8 एब्स प्लॉन्ट करते नज़र आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्द डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रैक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है।
एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नजर आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख, दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पठान को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली अपकमिंग हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पठान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, जॉन अब्राहिम, आशुतोष राणा, डिंपल कबाड़िया, सिद्धांत गदमेघाल आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 3 भाषा में रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी श्रीधर राघवन की ओर से लिखी गई है। दोस्तों, यह मूवी आपको जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पठान मूवी से शाहरुख खान का एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम है बेशरम रंग। निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान से जबरदस्त एक्शन बैटल लेकर पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस के बीच बज बनाए रखने के लिए लगातार फिल्म से जुड़े अपडेट साझा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पठान की टीम ने फिल्म के पहले गाने से शाहरुख खान का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान किंग ऑफ कूल में नज़र आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स की पठान में शाहरुख खान का जासूस की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें उनका किरदार तड़ातड़ गोलियां चलाने वाला और ज़बरदस्त एक्शन से भरा होगा, लेकिन फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग शाहरुख को कूल लुक में पेश किया गया। इस बारे में सिद्धार्थ कहते हैं कि शाहरुख खान लंबे समय तक बड़े पर्दे पर कूल किंग रहे और पठान के पहले गाने बेशरम रंग में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वापसी कर रहे हैं। स्पेन के तटीय शहरों में इस गाने के लिए शाहरुख खान मिलियन बक्स के लग रहे थे और उन्होंने कैमरे पर अपना जादू भी चलाया है। यशराज फिल्म्स की ओर से हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2 तस्वीरें शेयर की गई और इन दोनों ही तस्वीरों में दीपिका हॉट लुक में नज़र आ रही है। जहां पहली तस्वीर में वह गोल्डन वन पीस बिकनी में नज़र आई, तो वहीं दूसरे में वह पीले रंग की बिकनी में देखी जा सकती है। एक्ट्रेस ने इन दोनों लुक्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया और फैंस बेसब्री से गाने का इंतज़ार कर रहे हैं।
फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान ने अपनी बॉडी पर खूब मेहनत की है और फिल्म के गाने बेशरम रंग में एक बार फिर से वह अपने आर्ट एब्स प्लॉन्ट करते नजर आएंगे। इससे पहले ओम शांति ओम के गाने दर्दे डिस्को में शाहरुख अपनी टोंड बॉडी शो करके खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। बता दें कि पठान का पहला टाइटल ट्रिक बेशरम रंग 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सिनेमा की हिट जोड़ियों में से एक है। एक्ट्रेस ने फिल्म ओम शांति ओम से किंग खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस में नजर आ चुकी है। अब एक बार फिर से दीपिका शाहरुख खान फिल्म पठान में जलवा बिखेरने को तैयार है। इस फिल्म में दीपिका भी एक्शन किरदार में नजर आएंगी। शाहरुख दीपिका और जॉन इब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली एक्शन थ्रिलर पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देख सकते हैं 25 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 25 जनवरी से देखने को मिल जाएगी और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इस मूवी का प्रीमियर आपको देखने को मिल जाएगा OTT। तो दोस्तों, यह मूवी आप इस प्रकार से देख लीजिएगा।